आदर नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों तुलसी का पौधे अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है माता लक्ष्मी वहां हमेशा निवास करती हैं। कहा जाता है कि अगर घर के मुख्य द्वार पर यदि तुलसी का पौधा लगाया जाता है तो घर में कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश नहीं करती हैं। साथ में यम के दूत उस घर में कभी नहीं भटकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ तुलसी का पौधा आपके घर में है तो आप एक छोटी सी गलती भी कर रहे हैं कि तुलसी के साथ में एक चीज आपको और भी रखनी जरूरी है। अगर वो साथ में नहीं है तो कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। आज मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं, और तुलसी के नीचे आपको ऐसी कौन सी चीज आपको रखनी है जिससे कि आपको धन की वृद्धि हो, धन की बरकत हो, अनएक्सपेक्टेड पैसा लाइफ में आए आपके, है ना। दोस्तों जब भी जिंदगी में पैसों की परेशानी आती है तो सबसे बड़ी परेशानी जो ग्रह क्रिएट करते हैं वो होते हैं राहु और केतु। अगर आपकी जिंदगी में पैसे की बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपके राहु केतु बहुत ही कमजोर हैं। मैंने राहु केतु के लिए बहुत ही ज्यादा वीडियो बनाए हुए हैं, बहुत ही छोटे से, सिंपल से, जिसमें ज्यादा आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, लेकिन आपके राहु ग्रह और केतु ग्रह आपको शुभ फल देने लगेंगे। राहु जब खराब होते हैं दोस्तों तो इंसान को भ्रमित करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह है, इनका वास धुआं में होता है। ऐसा व्यक्ति अपना अच्छा नहीं सोच पाता है, है ना। कोई भी कार्य करता है तो करते करते बीच में ही उसको छोड़ देता है। और राहु को जब अमृत पान किया था तो श्रीहरि भगवान विष्णु ने ही इनके सिर को अलग किया था, है ना, धड़ से सिर को अलग किया था। तो धन संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो आपको विष्णु भगवान की शरण में या महादेव की शरण में जाना चाहिए। जो लोग नित्य प्रति महामृत्युंजय का जाप करते हैं या महादेव की उपासना करते हैं उनको कभी भी राहु की कैसो भी दशा हो कुछ नहीं सताती है। राहु हमेशा अपने अनुकूल फल देते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप अपनी जिंदगी में तरक्की पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चारों तरफ से आपको सफलताएं मिले, ग्रोथ मिले, तो आप एक तुलसी का शुक्रवार के दिन में या गुरुवार के दिन में तुलसी का पौधा लाएं और ऊंचाई में लगाएं, जैसे कि आपके सिर से ऊंचा। जैसे काफी लोग रहते हैं गमला वगैरह लेते हैं और ऊपर चेन वगैरह या रस्सी वगैरह से टांग देते हैं, है ना। तो ये प्रयोग आप करिए। अपने घर की यदि ईशान दिशा में, आपके घर की जो ईशान डायरेक्शन होती है ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग डायरेक्शन होती है पॉजिटिविटी की। ईशान का मतलब ईश्वर की दिशा, है ना, यानी कि उत्तर और आपके पूर्व में जो एंगल बनता है इसे कहा जाता है ईशान डायरेक्शन। ये ईश्वरीय दिशा होती है। यहां पर यदि आप तुलसी का गमला स्थापित करते हैं तो आपके देखेंगे जिंदगी में कैसे चमत्कार होने शुरू होते हैं। आपके घर में जो भी परेशानियां होंगी, ग्रह कलेश है, कर्जा है, बीमारी है, शत्रु, सभी परेशानियां ऑटोमेटिक रिमूव होने लगेंगी, क्योंकि तुलसी का गमला हमारे सनातन धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। दोस्तों आपको क्या करना है, जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, या फिर आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है, कोई और व्यक्ति है जो परेशानी में, तो उस तक जानकारी को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से कितने लोगों का भला हो सकता है। और आप लोग जब इस रेमेडी को किसी को शेयर करेंगे और आपकी दी हुई इस रेमेडी से जितने लोग इस प्रयोग को करेंगे तो कहीं ना कहीं बिना कुछ किए इसका पुण्य लाभ आपको प्राप्त होगा। तो जहां भी हो सके आपको लगे कि हाँ इसको इस जानकारी की जरूरत है उस तक जरूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको एक प्रयोग ये बता रहा हूं कि जिस घर में भी खाना जहां आपका बनता है, ठीक है, उसमें यदि नित्य प्रति आप तुलसी के पत्तों को डालते हैं जिस विधि से मैं बताऊंगा, तो वो खाना जो होता है अमृत हो जाता है। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन भोजन सिर्फ अगर आप नॉर्मल ले रहे हैं तो उसमें अलग बात होती है, लेकिन जब उस तुलसी उस भोजन में आपके कढ़ाई में बन रहा है, गंजी में बन रहा है, ये किसी भी चीज में बन रहा है, उसमें यदि आप तुलसी का पत्ता डाल देते हैं तो वो अमृत तुल्य हो जाता है, यानी कि अमृत बन जाता है। जब वो भोजन आप ग्रहण करते हैं तो आपके प्राण पवित्र होते हैं, आपके विचार पवित्र होते हैं, आपके थॉट्स में पॉजिटिविटी आती है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप भोजन पकाते हैं तो सबसे पहले वृंदा माता यानी कि तुलसा माता को एक लोटा जल चढ़ाएं, थोड़ी सी हल्दी और एक दो बूंद दूध डाल दें, क्योंकि ज्यादा दूध डालेंगे, ज्यादा हल्दी डालेंगे तो गमला खराब हो जाएगा।
तुलसी का गमला सूख भी सकता है। तो बिल्कुल जरा सी चुटकी हल्दी और एक बूंद या दो बूंद दूध डाल करके और सिंचित करें उनको, तुलसा माता को, वृंदा माता को जल चढ़ाएं। और नित्य प्रति जो जिस घर में 108 परिक्रमा इस मंत्र के साथ यदि जो व्यक्ति करता है, ओम वृंदाय नमः, इस नित्य प्रति यदि वो कर रहे हैं परिक्रमा, तो आपका भाग्य सूर्य जैसा चमकने लगेगा। दोस्तों एक चीज का हमेशा याद रखें कि रविवार के दिन में कभी भी तुलसी माता को जल ना चढ़ाएं। इस दिन माता वृंदा माता अपने शालिग्राम भगवान के लिए, विष्णु भगवान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, है ना। तो रविवार के दिन में जल भूल के बिना चढ़ाएं, ठीक है। और जो भी पत्ते यदि आपको कोशिश करें कि तुलसा माता के जो पत्ते होते हैं उन्हें आपको तोड़ने की जरूरत ना पड़े, जो नीचे डले हुए पत्ते होते हैं 3-4 पत्ते जो भी हैं अपने भोजन में मिला दें। इससे क्या होता है, तुलसी के पत्ते डालने से भगवान को ऑटोमेटिक बिना कुछ ये ही भोग लग जाता है, वो खाना जो होता है वो प्रसाद बन जाता है, है ना। अगर आपको जरूरत पड़ जाए कि नीचे पत्ते नहीं गिरे हैं तो ओम वृंदाय नमः इस मंत्र को बोल करके थोड़ा सा पेड़ को हिला दें तो 2-4 पत्ते उसमें से गिर जाते हैं। और ये भी नहीं हो पा रहा तो जो पीले पत्ते होते हैं तुलसा माता से आज्ञा लेकर के और 2-3 पीले पत्ते तोड़कर अपने भोजन में मिला दें, है ना। इससे आपके देखेंगे कि सभी परिवार के सभी सदस्यों की उन्नति होगी, सभी के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अब एक विशेष चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस घर में वृंदा माता होती हैं लेकिन उनके साथ में यदि शालिग्राम नहीं है, क्योंकि शालिग्राम इनके पति हैं, है ना, तो शालिग्राम की आपको एक छोटी सी पिंडी होती है जहां पर शिवलिंग वगैरह मिलते हैं या जहां पर भगवान की मूर्तियां वगैरह मिलती हैं, आप वहां पर जाकर के एक छोटे से शालिग्राम ले आए, ठीक है। और शालिग्राम को तुलसी माता के साथ में यदि आप रखते हैं और नित्य प्रति इनमें एक लोटा जल आप अर्पित करते हैं और यदि 108 परिक्रमा कर ले तो सोने पे सुहागा। स्त्री पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं, ठीक है। और शालिग्राम को जल चढ़ा रहे हैं, तुलसी माता को जल चढ़ा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी आपके घर में टिक करके रह जाएंगी। जिस घर में शालिग्राम नहीं होते हैं, तुलसा माता नहीं होती है, वहां पर स्त्री लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है, उस घर में कभी भी धन की बरकत नहीं होती है। पैसा आएगा लेकिन अनएक्सपेक्टेड जाएगा भी। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसा हमेशा टिके, यानी कि सेविंग्स हो पैसे की और अधिक मात्रा में धन की जो है प्रवाह आपकी जिंदगी में बढ़ता जाए, एक लेवल बढ़ता जाए, तो एक छोटे से शालिग्राम आप गुरुवार के दिन में या शुक्रवार के दिन में आप ला करके तुलसा माता के सामने रख दीजिए और उनको नित्य प्रति जल चढ़ाइए। फिर देखिए दोस्तों, ज्यादा नहीं 11 से 21 दिन में इसका चमत्कारिक रूप से आपको परिणाम दिखेगा। आपके धन प्राप्ति के योग बनेंगे, सेविंग्स होगी, बरकत होगी, चारों तरफ सफलताएं मिलेंगी। घर में जो भी नेगेटिव एनर्जियां होंगी वो तो रिमूव होंगी, लेकिन अगर आपके घर में तुलसी और शालिग्राम एक साथ हैं तो किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, नजर, हाय बद्दुआ, ऐसी कोई भी चीज आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी। घर हमेशा पॉजिटिव एनर्जियों से भरा रहेगा और जिस घर में पॉजिटिविटी होती है उस घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है, सुख ऐश्वर्य आते हैं, माता लक्ष्मी सारे सपने साकार करती हैं, लक्ष्य की प्राप्ति कराती हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब घर में हमेशा शांति रहे, धन की बरकत रहे, अनएक्सपेक्टेड पैसा आए, आपको राहु केतु इन दो ग्रहों की कोई भी दशा आपको परेशान ना करे, तो बस तुलसी के नीचे आप शालिग्राम को रख दीजिए और नित्य प्रति इनको जल चढ़ाइए। साथ में अगर 108 परिक्रमा कर लेते हैं तो और भी अच्छा है, सोने पे सुहागा। दोस्तों तुलसी माता को हमेशा ईशान दिशा में रखने की कोशिश करें, ईशान दिशा नहीं है उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा के अलावा आपका जो मेन चौखट है, मेन घर गेट है, उसके सीधे तरफ आप तुलसी माता को विराजमान कर दें। इससे आपके घर में कभी भी कोई यमदूत नहीं भटकेंगे, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटेगी, कोई बीमारी रोग वगैरह। आप चाहें तो 3-4 जगह तुलसी के पौधे रख सकते हैं, ईशान डायरेक्शन में तो रखें, उत्तर दिशा में रखें, और जैसा कि मैंने बताया कि आपकी ऊंचाई से ऊपर एक टांग करके रखें। इससे आपको एक ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस, ऊंचाइयों पर जाने के रास्ते मिलेंगे। और यदि मेन गेट के दाहिनी तरफ रखते हैं तो यम के दूत कभी नहीं भटकते, कोई तंत्र मंत्र नेगेटिव एनर्जी घर में एंटर नहीं करती है, क्योंकि तुलसी बहुत ही पवित्र और बहुत ही पॉजिटिव पौधा है, हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पूजनीय पौधा है। ये करके देखिए दोस्तों इस प्रयोग को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।